हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम सोल लैंड एपिसोड 221 के पार्ट 1 को डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें टैंग आर्मी की सीन को दिखाया जाता है। यहाँ पर टैंग शिन एम्परर सुबांग से कहता है कि मैंने हाओ टियन ट्राइब से मदद मांगी है ताकि वो लोग हमारी कैपिटल को प्रोटेक्ट करें और हम लोग यहाँ पर फोकस कर सके। इसके बाद वो टैंग शिन से कहते हैं, टीचर क्या आप मेरी वॉइस कमांडर बनोगे? जिस पर टैंग शिन कहता है कि आर्मी को हैंडल करना मेरे काबिलियत नहीं है, लेकिन अगर बात सॉल मास्टर की हो मैं पूरी कोशिश करूंगा। वो लोग मैना बैटल फील्ड में ना पहुंच पाए। इस पर ग्रैंड मास्टर कहते हैं कि बैटल फील्ड सिचुएशन एक सेकंड में बदल जाती है, इसलिए तुम एम्परर सुबांग से ऐसे कैसे प्रॉमिस कर सकते हो? टैंग शिन बताता है कि जहां तक मुझे पता है कि हुआन एम्पायर में 70,000 सोल मास्टर हैं, इनमें से 30,000 ऐसे हैं, इनकी स्पिरिट लेवल 30 से भी नीचे है, इसलिए हुआन एम्पायर ने उन सिटी को गार्ड करने के लिए लगा दिया है। इसके बाद 20,000 सोल मास्टर जिगनलू एम्पायर लड़ाई में साउथ में है, इसलिए अब केवल 20,000 ही सोल मास्टर रहते हैं। इस लड़ाई के लिए हुआन एम्पायर के पास काली है। इस पर ग्रैंड मास्टर बताते हैं कि लेकिन हमारे पास तो 4,000 ही सोल मास्टर है। तभी टैंग शिन बताता है कि टांसेट में 10,000 आर्मी सोल्जर के साथ 2,500 स्टूडेंट भी है। इस पर ग्रैंड मास्टर बताते हैं कि हमें टैंग आर्मी को मेंटेन करने के लिए न केवल सोल मास्टर की जरूरत है, इसके अलावा उन्हें अपने स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए हिडन वेपन की भी जरूरत है, लेकिन इन हिडन वेपन को इतने कम समय में बनाना पॉसिबल नहीं है। इस पर टैंग शिन एक सोल्जर से हिडन वेपन को ले लेता है और कहता है कि यह डेडली क्रॉसबो है, इसे एल्डर टाइटन ने रीडिजाइन किया है, जिसके बाद उन्होंने इसे बनाने के लिए स्टील का इस्तेमाल किया है, जिसकी वजह से इसके स्ट्रेंथ और वेट दोनों ही बढ़ गए हैं। इसके बाद टैंग शिन डेडली क्रॉसबो से एक एरो शूट करके दिखाता है। इसे देखकर एम्परर सुबांग और टीचर दोनों ही हैरान हो जाते हैं। तब टैंग शिन बताता है कि यह मिलिट्री कॉम्बैट के लिए एकदम परफेक्ट है। इसके अलावा 300 डेडली क्रॉसबो भी है जिसमें थंडर फायर एरो का इस्तेमाल हुआ है। उसके बाद इनकी अटैक पावर 50% बढ़ गई है। इस पर एम्परर सुबांग कहते हैं कि यह हिडन वेपन बैटल में हमें बहुत मदद करेंगे। टीचर आपको धन्यवाद, टैंग शिन कहता है। जब हम हुआन एम्पायर को पूरी तरह से हरा देंगे उसके बाद आप मुझे धन्यवाद कह सकते हैं। इसके बाद हमारे सीन शिफ्ट होकर फॉरेस्ट में कुछ ट्रूप्स पर आ जाता है। वह उनमें से कहता है कि जब से गोस्ट मास्टर मारा गया है तब से लेकर उनकी पूजन स्किल फिर से अफेयर नहीं हुई है, इसी वजह से गोस्ट मास्टर दोस्त की भी पोजीशन डिक्रीज हो गई है। तभी वहाँ पर एल्डर युगॉन आ जाता है और कहता है कि हम लोग इस जंगल में पहुँच कर है, इसलिए हम लोग टियांडो आर्मी के आने वाले रास्तों को दबा करना होगा ताकि जब बैटल एक बार स्टार्ट हो जाए तब यह लोग वापस ना जा पाए। इसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होकर फिर से एम्परर सुबांग की मीटिंग हॉल में आ जाता है, जहां पर पाइजन मास्टर टैंग शिन को देखकर कहता है, छोटे बच्चे तुम वापस आ गए। तभी एम्परर सुबांग टैंग शिन से कहता है, टीचर मेरी सीट पर बैठ जाइए। तभी वहां पर खड़े दो लोग आपस में बातें करने लगते हैं। यह हमारा एम्परर का टीचर है, यह तो बहुत ही यंग है। उनमें से एक बताता है कि मैंने सुना है इसने एम्परर सुबांग की एक बार जान बचाई थी। तभी से एम्परर सुबांग इसको बहुत रिस्पेक्ट करते हैं और इन सभी चीजों के बाद वो एक बेहतरीन सोल मास्टर है, लेकिन अभी वो मिलिट्री स्ट्रेटजीज में उतना अच्छा नहीं है। टैंग शिन कहता है हमें मीटिंग स्टार्ट करनी चाहिए। इसके बाद टैंग शिन कहता है हमने 10,000 ट्रूप्स को दो ग्रुप बनाए हैं, इन्हें तुम दोनों लीड करोगे, लेकिन फिर भी हमें हुआन एम्पायर तक पहुँचने में 5 दिन लगेंगे। तभी एम्परर सुबांग कहता है मैंने सभी को यहाँ पर बुलाए हैं क्योंकि हम लोग अपनी स्ट्रेटजीज को डिस्कस कर सके, इसलिए मैं आशा करता हूँ कि हम लोग इस जंग को जीतने के लिए एक साथ काम करेंगे। इसके बाद मैं सभी को वैल्यूएबल रिवॉर्ड्स भी दूंगा। तभी वहाँ से कुछ एक सोल्जर रिपोर्ट करता है मार्शल जी लॉन्ग यहाँ पर आ गए हैं। इसके बाद हम देखते हैं मार्शल जी लॉन्ग मीटिंग को अटेंड कर लेते हैं। टैंग शिन सोचता है कि यह हमारा आर्मी के इम्पोर्टेंट लोगों में से एक है, यह टियांडो आर्मी का चीफ कमांडर है, यह एक ग्रेट सोल मास्टर भी है जिसके वजह से इनका नाम मैजिकल ड्रैगन विद 9 ग्लेज्ड लाइट्स पर पड़ गया है। तभी ग्रैंड मास्टर सोचते हैं कि टियांडो आर्मी का सबसे पावरफुल पर्सन है
इसके बाद मार्शल जी लॉन्ग रिपोर्ट करते हैं, मार्शल सोल हल भी इस बैटलफील्ड के लिए एक्टिव हो रहा है, इसलिए अपने ट्रूप्स को जेलिंग पास पर कटा कर लिया है, जिसकी वजह से वहां पर उन लोगों को माउंटेन का डिजीजेस आसानी से मिल रहा है। इसकी वजह से यह हमारे लिए मुश्किल हुआ कि हम लोग जेलीगन पास पर घुस पाए। हमारा सिम शिफ्ट होकर जेलीगन पास पर आ जाता है, जहां पर ट्रूप्स वेपन को रीलोड कर रहे होती है। इसके बाद यह लोग उन वेपन को जेलीगन पास पर लगा रहे होते हैं। वही हम देखते हैं कि बीबी डोंग इसको पूरी तरह से कंट्रोल कर रही होती है। इसके बाद मार्शल जी लांग एम्परर से बताता है, जेलीगन पास किसी भी आर्मी के लिए इम्पोर्टेंट जगह है, इसलिए अगर हमें इस बैटल को जीतना है तो हमें उस पहाड़ को तोड़ होगा। इस पर एम्परर सुबांग बताता है, जेलीगन पास के चारों तरफ वो दीवार है, वो 100 मीटर ऊंची और बहुत मोटी है। इसके बाद इसके ऊपर मार्शल सोल एम्पायर का कई सारे ट्रूप्स भी होंगे, इसलिए जेलीगन पास के अंदर घुसना आसान नहीं है। इसके बाद एम्परर सुबांग पूछते हैं, हम लोग किसी और जगह से अटैक किया तो? इसके बाद मार्शल जी लांग बताता है, हमारे पास किसी और जगह से अटैक करने का ऑप्शन नहीं है, इसकी दूसरी जगह पर हमें और भी ज्यादा नुकसान भी हो सकता है। इस पर एक एल्ड कहता है, मार्शल जी लॉन्ग सही कह रहे हैं, क्योंकि भले ही जेलीगन पास पर घुसना आसान नहीं है, लेकिन उसके आगे और पीछे बैटल के लिए बहुत जगह है, इसलिए हम जेलीगन पास को तोड़कर घुस जाते हैं तो हम लोग किंगडम ओल्ड डायरेक्ट में पहुंच जाएंगे, और वही हम लोग जेलीगन पास को तोड़ने में फेल हो जाते हैं तो हम लोगों को वापस आने का भी रास्ता मिलेगा, इसलिए हमारे पास बेहतरीन ऑप्शन यही होगा कि हम लोग अटैक भी करें, खुद को प्रोडक्ट भी करते रहे। इस पर एम्परर सुबांग कहते हैं, ठीक है,